हिंदू धर्म शास्त्रों में सावन के महीने में भगवान शंकर की आराधना विशेष फलदायी मानी गई है। हम आपको बताने जा रहे हैं वो सात आसान से उपाय जिसके जरिए आप भगवान शंकर की असीम कृपा पाकर अपने हर दुख को दूर करके अपने जीवन में सौभाग्य की वर्षा कर सकते हैं। सावन हिंदू धर्म में एक ऐसा महीना है जो भगवान शंकर और उनकी पूजा को समर्पित होता है। दरअसल यह महीना नवरात्रि की तरह ही पवित्र माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ करने वाले लोग इस पवित्र नवरात्र की तरह ही मांसाहार का त्याग भी कर देते हैं। दरअसल सावन का महीना हरियाली को भी दर्शाता है। इस दौरान आमतौर पर बारिश होती रहती है, इसलिए हर जगह हरियाली नजर आती है। सावन के महीने में शिवालयों में जल चढ़ाने, बेलपत्र आदि चढ़ाने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। इस दौरान लोग कल्याण के निमित्त रुद्राभिषेक भी करते हैं। सावन के महीने में भगवान शंकर की आराधना और पूजा पाठ का विशेष फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान शंकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनकी पुकार सुनते हैं, इसलिए सभी भक्त सावन के महीने में खासकर सोमवार के दिन व्रत रखकर उनकी आराधना करना नहीं भूलते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में सोमवार के दिन व्रत रखने और भगवान शंकर की पूजा करने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। जो महिलाएं इस दौरान व्रत करती हैं उन्हें मनोवांछित जीवन साथी प्राप्त होता है, उनके जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। विवाहित महिलाओं द्वारा इस दौरान सावन का व्रत उनके लिए सौभाग्यकारी और भाग्यवर्धक होता है। तो हम आपको बताते हैं वो सात उपाय जो आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। सावन के महीने में प्रतिदिन आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। सावन के दिन सावन के सोमवार को आप जल 11 बिलपत्र, धतूरा, कनेल फूल आदि अर्पित करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप सफलता हासिल करेंगे। सावन के महीने में रोजाना भगवान शंकर के शिवलिंग पर गन्ने के रस से स्नान आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करता है। सोमवार के दिन शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के बाद 108 बार मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण आपको सभी सुखों से परिपूर्ण कर देता है। सोमवार के दिन आप जल से भगवान शंकर के शिवलिंग को स्नान कराने के बाद उनकी आरती करें, इससे आपकी आयु बढ़ती है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद शहद अर्पित करें और ऐसा करने से आपकी वाणी मधुर होती है, आप सबके प्रिय बन सकते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद भगवान सूर्य देव को भी जल अर्पित करें, ऐसा करने से आपके यश में बढ़ोतरी होती है। सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा बेहद फलदायी मानी जाती है। 2018 में 28 जुलाई से सावन यानी श्रावण महीने की शुरुआत हो रही है। पहला दिन शनिवार है तो इस वजह से 30 तारीख को सावन महीने का पहला सोमवार आएगा। वैसे 2018 में सावन के महीने में खास संयोग भी बन रहा है, अधिक मास होने के चलते इस बार सावन का महीना पूरे 30 दिनों का होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने देशी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।